नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हर साल अपने खिलाड़ियों को लेकर सालाना अनुबंध लिस्ट जारी करता है। इसमें अलग अलग खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। सभी वर्गों की एक तय सैलरी सीमा होती है, जिसके मुताबिक ही खिलाड़ियों को BCCI की तरफ से सैलरी दी जाती है। इस लिस्ट में ग्रेड ए को सबसे अच्छा माना जाता है, जिसमें रहने वाले खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसी तरह ए, बी और सी ग्रुप भी है, जिनकी अपनी अपनी सैलरी सीमा है। फिलहाल ए प्लस ग्रेड में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह का नाम शामिल है, जिन्हें हर साल BCCI की तरफ से 7 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है। लेकिन इस बार विशेष तौर पर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जिस तरह से कुछ खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, उसके बाद ऐसी उम्मीद है कि कई खिलाड़ियों को शीर्ष ग्रेड में शामिल किया जा सकता है। टीम के दाएं हाथ के बल्लेबाज KL राहुल ने पिछले 1 साल में दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने टीम की जरूरतों के हिसाब से अलग अलग बल्लेबाजी क्रम में बल्लेबाजी करने के साथ ही विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी संभाली है। राहुल ने बल्ले से कई शानदार और मैच जिताऊ पारी खेली, ऐसे में उन्हें A+ ग्रेड में भेजा जा सकता है। वहीं स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी टीम इंडिया का अहम हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया। बल्ले, गेंद और फील्डिंग तीनों जगह उन्होंने अहम योगदान दिया है। हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी शानदार प्रदर्शन किया। बता दें, विराट कोहली की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया में टीम का कमान संभाल रहे अजिंक्य रहाणे ने टेस्ट सीरीज में शानदार खेल से सभी का दिल जीता है। उन्होंने मेलबर्न में शतकीय पारी के साथ टीम को जीत दिलाने में भी सफलता हासिल की। टेस्ट टीम के उपकप्तान और प्रमुख खिलाड़ियों में से एक रहाणे को अगर A+ ग्रेड में शामिल कर लिया जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। मोहम्मद शमी ने जिस तरह से टीम इंडिया की गेंदबाजी को धार दी है, उससे हर कोई प्रभावित हुआ है। शमी ने पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड कप से लेकर अलग अलग श्रृंखलाओं में तीनों फॉर्मेट में जबरदस्त गेंदबाजी की है। शमी फिलहाल A ग्रेड में शामिल हैं, लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट में उनका प्रमोशन होने की उम्मीद है। वहीं चोट की वजह से लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे हार्दिक पांड्या को पिछले कॉन्ट्रैक्ट में B ग्रेड में रखा गया था। वे तब अधिक मैच नहीं खेल पाए थे, जिसकी वजह से उनकी सैलरी कम हो गई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जिस तरह का प्रदर्शन किया और T20 सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे, उसके बाद उनका प्रमोशन लगभग तय है। बता दें, टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाजी का नेतृत्व करने वाले रविचंद अश्विन फिलहाल ग्रेड ए में हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने लंबे अंतराल के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे में वापसी की और शानदार गेंदबाजी से प्रभावित किया, उसे देखते हुए उनकी भी पदोन्नति होने के आसार हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पन इंडिया।